हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पा वर्मा वांसो एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है सीजी व्यापम द्वारा आयोजित फूड इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2022 का। हम पूरे सिलेबस से अधिनियम, सीजीजी के क्वेश्चन, भारत का इतिहास, भूगोल, कंप्यूटर, समसामयिकी आदि से पूरे 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिले, इसके लिए हमारा छोटा सा प्रयास है ये। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन सही आंसर होगा। इसमें 24 जनवरी 1986 है ये 36 24 जनवरी 1986 को उपभोक्ता संरक्षण पारित किया गया था। नमक, शक्कर अथवा अम्ल मिलाकर किया गया संरक्षण कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर तीन सही आंसर होगा, रासायनिक संरक्षण। नमक, शक्कर और अम्ल को मिलाकर बनाया गया संरक्षण रासायनिक संरक्षण कहलाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च। 15 मार्च को मनाया जाता है उपभोक्ता अधिकार दिवस। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है, खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, भोजन प्राप्त करने का सामर्थ्य, सुगमता के साथ पहुंचाना, भोजन उपलब्ध कराना, ये सभी खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 में कितने अध्याय है? छत्तीसगढ़ में जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 है उसमें कितने अध्याय है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 14 अध्याय है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? ऑप्शन नंबर चार सही आंसर है, उपयुक्त ए और दो दोनों करते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, सॉरी राज्य सरकार और खाद्य सुरक्षा आयुक्त। राज्य सरकार और खाद्य सुरक्षा आयुक्त दोनों करते हैं ये, ठीक है। ऑप्शन एक और दो दोनों सही होगा, राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा आयुक्त दोनों मिलकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति करते हैं। राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? जो सदस्य होते हैं राज्य उपभोक्ता आयोग के, तो उनका कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन नंबर दो सही आंसर होगा, 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु तक। जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष होता है कलेक्टर। ऑप्शन नंबर एक सही आंसर होगा, कलेक्टर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कवरेज को 32% से बढ़ाकर वर्तमान में कितना कर दिया गया है? वर्तमान में 50% कर दिया गया है। विश्व बैंक का वर्तमान अध्यक्ष कौन होता है? कौन है विश्व बैंक का वर्तमान अध्यक्ष? कौन है? डेविड मालपास है विश्व बैंक का वर्तमान अध्यक्ष। भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में स्थित है। हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो सही आंसर है, 8 फरवरी को इंटरनेट सुरक्षा दिवस मनाया गया। इंटरनेट दिवस मनाया गया 8 फरवरी को। तानसेन का मूल नाम था, तानसेन का मूल नाम क्या था? सही आंसर होगा राम तनु पांडे, फर्स्ट ऑप्शन सही है, तानसेन का मूल नाम था राम तनु पांडे।
राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 की थीम क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस हुआ 2022, तो उसका थीम क्या था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। सही आंसर है यह सब दिमाग में है। ये थीम था राष्ट्रीय युवा दिवस का। विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है 12 जनवरी को युवा दिवस, तो उसका थीम था यह सब दिमाग में है। भारतीय स्टेट बैंक SBI की आपदा रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा? जो आपदा रिपोर्ट हुआ तो उसमें भारत किस स्थान पर रहा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, तीसरे स्थान पर। भारत का स्थान तीसरा था। प्रोफेसर हर्ष कुमार जैन किस देश में नए राजदूत बने हैं? सही आंसर होगा यूक्रेन। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है, यूक्रेन में बने हैं हर्ष कुमार जैन नए राजदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए सलाहकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के है ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर होगा अमित खरे। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा, अमित खरे प्रधानमंत्री के नए सलाहकार बने हैं, नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार बने हैं। ई श्रम पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? ई श्रम पोर्टल श्रम व खाद्य रोजगार, श्रम व रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य का मिनी माता सम्मान 2021 किसे दिया गया? मिनी माता सम्मान दिया गया सुश्री कल्पना देशमुख को दिया गया, डॉक्टर कल्पना देशमुख को मिनी माता सम्मान 2021 का दिया गया। छत्तीसगढ़ में 2020-21 के लिए धान खरीदी कुल कितनी हुई? धान खरीदी हुई 98 लाख मीट्रिक टन, 98 लाख मीट्रिक टन 21-22 के लिए धान खरीदी हुई है। गोपल्ला गीत किस वंश से संबंधित है? गोपल्ला गीत कलचुरी वंश से संबंधित है। कलचुरी वंश के जो राजा कल्याण साय थे उसे जहांगीर ने 8 वर्ष तक नज़रबंद करवा दिया गया था, किया जहांगीर द्वारा नज़रबंद कर लिया गया था, तो उसी से संबंधित है ये गोपल्ला गीत। बादल महल का निर्माण किसने करवाया था? बादल महल का निर्माण करवाया था राजसी। गड़िया पहाड़ किस जिले में स्थित है? गड़िया पहाड़ स्थित है कांकेर में। छत्तीसगढ़ में शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने किया था? शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम एंडरसन ने किया था 1910 में। छत्तीसगढ़ में पाणिनि किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ में पाणिनि कहा जाता है हीरालाल काव्योध्याय को। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण पथ अभियान के दौरान कौशल के किस राजा को पराजित किया था? ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा, महेंद्र सेन को पराजित किया था दक्षिण अभियान के दौरान। मराठा काल में परगना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, सर्वोच्च अधिकारी कमाविस्तार होता था मराठा काल में। घोटुल पाटा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? घोटुल पाटा नृत्य मृत्यु के अवसर पर किया जाता है मुड़िया जनजाति द्वारा। असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के किस नगर पालिका में कर्मचारियों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? बिलासपुर नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? सही आंसर होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है। माउस को और किस नाम से जाना जाता है? माउस को पॉइंटर डिवाइस भी कहा जाता है। ब्राउजर पर http://doc.org निम्न में से किसे प्रदर्शित करता है? वेबसाइट को प्रदर्शित करता है, ये वेबसाइट आएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? तो कंप्यूटर मशीनी भाषा पर कार्य करता है। कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज होता है? तो सुपर कंप्यूटर सबसे तेज होता है ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। वेबसाइट में http
क्या है? HTTP है प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल को कहा जाता है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है नाइक। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में द्विआधारी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। WWW का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूर्ण रूप है। आयुष्मान कार्ड पंजीयन में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? आयुष्मान कार्ड पंजीयन में छत्तीसगढ़ को पहला स्थान प्राप्त हुआ। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था? प्रथम जैन संगीति हुआ था पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। 322 से 298 ईसा पूर्व में हुआ था और इसमें जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था इसमें। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, इसमें क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा, अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आर्य समाज के संस्थापक है कौन है? आर्य समाज के संस्थापक ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा, दयानंद सरस्वती। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 1858 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? सही आंसर होगा ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर 2 ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में स्थित होता है? ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित होता है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंची चोटी है? धूपगढ़ सही आंसर होगा, धूपगढ़ ऑप्शन नंबर 1। हमारा 50 क्वेश्चन का सीरीज कंप्लीट हो गया है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।